नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मैनपुरी के अलाउ थाना क्षेत्र के ग्राम इलाबास में हथियारों का कारखाना चलाने वाले शातिर की संपत्ति कुर्क की गई है। जानकारी मिल रही है कि लगातार अवैध तरीके से ये संपत्ति अर्ज की गई है। डीएम के निर्देश पर शातिर की 1,51,00,000 रुपए से अधिक की संपत्ति सीज की गई। तहसीलदार विशाल सिंह ने पुलिस बल के साथ आरोपी की संपत्ति सीज कराई तो गांव में हड़कंप मच गया। ये आरोपी गांव में ही लोहे की वस्तु तैयार करने का कारखाना चला रहा था और इसी कारखाने में हथियार बनाए जा रहे थे। मैनपुरी के एलाऊ थाना अंतर्गत अफरोज जो शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है, उसके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के तहत 14(1) के अंतर्गत उसकी 1,51,00,000 की प्रॉपर्टी सीज की गई है, जो उसने अवैध तरीके से अपराध कारित करके संपत्ति अर्जित किया। इसमें उसकी एक फैक्ट्री और उसका मकान सीज किया गया है। अफरोज के ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और ये अवैध रूप से शस्त्र बना करके उसको विक्रय का काम करता था। इस प्रकार उसकी आज कुर्की की कार्रवाई एलआई पुलिस द्वारा कल किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न और राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घर घर तिरंगा लहराने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत गांव-गांव तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में पीलीभीत की ग्रामीण महिलाओं का जोश देखते ही बनता है। ये महिलाएं जोश, मेहनत और मौज में तिरंगा सिल रही हैं और बना रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस बार का आज़ादी का पर्व हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बेहद ख़ास है। 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए इस बार हर घर तिरंगा का अभियान भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। जनपद पीलीभीत को भी 4,00,000 से अधिक झंडों का एक लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सभी विभागों के साथ बैठक करी गई। सभी विभागों को प्रेरित करा गया कि सभी विभाग अलग अलग तरीकों से झंडों की तैयारी करें। इसमें खासकर महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। सर, हमको ऊपर से आदेश मिला है डीएम सर के द्वारा कि हमको 50,000 झंडे बना के देना है। इसीलिए हम सब में 10 समूह की महिलाएं हैं, जो 110 महिलाएं हैं, हर ग्रुप में 11 महिलाएँ हैं। उसके द्वारा हमको आदेश दिया गया है कि झंडे जल्द से जल्द बना के दिए जाएँ, तो झंडा दिवस मनाया जाएगा। और हमको पता चला कि झंडा दिवस है और हमको झंडा बनाना है। हमको ऑर्डर मिला, हमने कपड़ा लिया सर। और जो बहनें सिल रही हैं, इनको एक फीस का 5 रुपये भी दिया जाएगा। इसी वजह से ये बहनें बहुत मेहनत से लगातार काम कर रही हैं। 2 शिफ्टों में आती हैं, 40 बहनें पहले, फिर 40 बहनें बाद में। जो 20 महिलाएँ हैं जो सिलाई का काम नहीं कर पाती हैं, तो वो गड्डी और गिनती लगा रही हैं। सहारनपुर में आज भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिला। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता अशोक कुमार ने बताया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह और विनय कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला है और उनको किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद की किसानों की बहुत समस्याएं हैं। आज पूरा प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह के नेतृत्व में, विनय कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला। उनसे बताया कई मुख्य समस्या ऐसा है, जैसा पेस्टिसाइड की दुकान ना खुल रही, दवाई बिक रही, कंपनी का पता नहीं, खेत में कीड़े नहीं मारती, कुछ भी नहीं कर रही। दूसरी बात, एक गन्ने से संबंधित समस्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना आयुक्त बुक्सर रेड्डी महोदय ने एक आदेश कराया कि जनपद के सभी चीनी मिल किसान को दवाई फ्री देंगे। सहारनपुर जिला जूडो एसोसिएशन के तत्वाधान में सहारनपुर जिला स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन मुन्नालाल एंड जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज में किया गया। सहारनपुर जिला जूडो एसोसिएशन के सचिव और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी दीपक गुप्ता ने बताया कि जूडो चैंपियनशिप का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा किया गया है, जिसमें जिले भर से जूडो खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जूडो चैंपियनशिप के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। ये जिला जूडो प्रतियोगिता है जो एक दिन की है और पिछले 34 वर्षों से हम लगातार जिला स्तर की जूडो प्रतियोगिताएं यहाँ हर वर्ष करवाते हैं। साल में 2 बार भी होती हैं, 3 बार भी होती हैं। कोरोना काल के बाद ये हमारा जो है पहला टूर्नामेंट है और इसमें बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है।
ये आज सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन हुआ, जिसको जो है यहाँ के जेबी जैन कॉलेज के पूर्व रीडर, रिटायर्ड रीडर जो हैं डॉक्टर जेडी जैन साहब ने दीप प्रज्वलित कर उनका उद्घाटन किया। उनके साथ मौजूद थे यहाँ के विधानसभा परिषद के सदस्य श्री शाहनवाज खान साहब और एलुमनी एसोसिएशन जेबी जैन कॉलेज के श्री कुलभूषण जैन, गुलशन नागपाल जी, पी के शर्मा जी और मुन्नालाल कॉलेज की प्राचार्य मिस पंकज छाबड़ा जी, यहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर रीता बोरा जी और हमारी तमाम तकनीकी समिति है जो इस प्रतियोगिता को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराएगी। रामलीला सभागार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा की कार्यकारिणी बैठक रखी गई, जिसमें जिला संयोजक हुप सिंह विकल ने बताया कि हर घर तिरंगा लगाना है। उन्होंने कहा कि आजादी का 75वां वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत पूरे देश में उन सभी घरों में स्थानों पर अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इसको लगाने का कार्य शुरू किया गया है। हर घर तिरंगा इस अभियान का नाम है। इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा मंडलों में और गांव शहरों में सभी स्थानों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया। सितारगंज विधानसभा में न्यूनतम 10,000 घरों में राष्ट्रीय तिरंगा लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलेगा और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कवर किया जाएगा। वंदे मातरम, रघुपति राघव राजा राम जैसे गीतों से प्रचार होगा। भाजपा इस कार्यक्रम में तेजी लाने की भूमिका निभाएगी। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को रामलीला सभागार में इकट्ठा किया है और उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हर घर में राष्ट्रीय तिरंगा लहराया जाएगा। दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में सुअर फार्म पर एक सुअर में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने पर प्रशासन ने दिनेशपुर क्षेत्र के 12 किलोमीटर क्षेत्र में सुअर की मांस बिक्री अभी अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा नगर पंचायत दिनेशपुर में पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर पंचायत चिकित्सा अधिकारी, नगर पंचायत चेयरमैन ने इस संबंध में बैठक कर रणनीति तैयार की है। सुबह पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा क्षेत्र में कई सुअर फार्म पर जाकर सुअर पशु की जाँच किया गया। इसके अलावा सैंपल लेकर जाँच हेतु जिला मुख्यालय को भेज दिया गया है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू हमारे क्षेत्र अंदर मैंने 5 सैंपल यहाँ से लिए थे, जिसमें से एक पॉजिटिव पाया गया है। उनकी कंफर्मेशन डायग्नोसिस के लिए दोबारा आज सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। उसको जो है रुद्रपुर लैब में भेजा गया है, वहाँ से भोपाल भेजे जाएंगे। जो कंफर्मेशन हो के आएगा उसके बाद और दिशा निर्देश जारी किएंगे। अभी फिलहाल जो है डी एम साहब के द्वारा, हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो क्षेत्र में है 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर मीट का मांस का पूरा पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। बुलंदशहर में निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पाए 26 उप निरीक्षकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार सिंह द्वारा कंधों पर तीसरा स्टार लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया और सभी को उज्जवल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई। बुलंदशहर में उप निरीक्षक के पद से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए 26 उप निरीक्षकों को उपयुक्त पाते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा अनुमोदित किए जाने के फलस्वरूप पदोन्नति प्रदान की गई है। जहाँ प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं ग्राम प्रधान अपने काम को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मामला सिद्धार्थनगर जिले के लक्ष्मणपुर उर्फ बल्ली जोत का है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा रास्ते के निर्माण में धनुगाही की गई है, साथ ही इस रास्ते के नाम पर 2-2 बार पैसे निकाले गए हैं। वह इसको लेकर खंड विकास अधिकारी खुनियाव आनंद कुमार गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जितने भी सरकार प्रधानमंत्री प्रधान जी काम करवा रहे हैं, सबकी मतलब मिली भगत है, खाली पैसा भर निकाल लिया जा रहा है, काम नहीं कराया जा रहा है। अभी यहाँ पे एक खड़ंजा लगा हुआ था, कुछ आने जाने लायक था, उसको भी मारे हैं, सत्यानाश कर डाले हैं, चलने लायक नहीं है, गड्ढा हो गया है। और यही 2-4 महीने पहले RCC हुआ था गाँव के उत्तर में, जिसकी सारे गिट्टियाँ उजड़ गई हैं, खड़ंजे दिखने लगे हैं। और उच्च अधिकारी आए थे जो कल जांच करने के लिए, वो भी ज्यादा सैन पट्टी दिखा रहे हैं। गलत काम का पैसा निकाल के जो सड़क पटाया गया है, अलग अलग नाम के तरीके से नाम चेंज करके कहीं कहीं पटाई भी कराए हैं, कहीं कहीं पटाई भी नहीं कराए हैं। वो पैसा गलत तरीके से निकाल के दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी पैसे का सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। कल कुछ अधिकारी आए थे तो वो लोग भी कहके गए हैं कि काम हो, क्या नाम है, तुम लोग का कार्रवाई होगा। वो भी गलत तरीके से कार्रवाई 2-2 बार आए हैं। और हमने क्या नाम है DM साहब को और सब जगह मतलब रजिस्ट्री किया है और पोर्सल किया था एक जगह, वो भी क्या नाम है कल आए थे वो अधिकारी, और अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। राजधानी देहरादून के रेंजर्स मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत 5 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। ये बसें ISBT से
सहस्त्रधारा रोड होते हुए एयरपोर्ट तक जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेंजर्स मैदान में ही नगर निगम द्वारा आयोजित हरेला अभियान के तहत पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री भीमचंद अग्रवाल समेत राजधानी दून के मेयर, डीएम, एसएसपी, कमिश्नर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत राजधानी में तेजी से काम किया जा रहा है। बुलंदशहर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 3 वर्षीय मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोड पर भैंस बचाने में ट्रैक्टर से बाइक टकराने से हादसा हो गया। अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखकर लौट रहा पीड़ित दंपति, पुलिस ने पूछताछ कर पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। और बताया जा रहा है कि हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव भसियाना निवासी ये बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर के गुलाबटी थाना क्षेत्र में शेरपुर के पास यह हादसा हुआ। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र अहमदगढ़ में स्थित गांव धारापुर के ग्रामीण महिला पर मासूम बच्चे सचिन ने बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र अहमदगढ़ ग्राम धारापुर का एक बुरा मामला। हरदोई के बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों से काम कराने के वीडियो हरदोई में खूब वायरल हो रहे हैं। शिक्षिका के द्वारा सेवा करने के वीडियो वायरल होने के बाद आज छात्रों द्वारा स्कूल में झाड़ू लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी फिलहाल बच रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।